बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। हेयर इज योर टीचर सबा अख्तर, मास्टर ट्रेनर एंड लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस इज कंटिन्यूड, एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे is epistasis. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about the term epistasis, differentiate between dominance epistasis, and learn about relationship of epistasis with polygenic inheritance. And beta, this topic is taken from class second year. So first of all, we will define epistasis. What is epistasis? When one gene locus masks or modifies the phenotype of a second gene locus. Beta, एक gene जो है जब वो एक mask पहना दे या modify कर दे second gene locus की phenotype को, तो इसको हम कहते हैं epistasis. ठीक है बेटा, epistasis क्या है, इसकी example क्या है? An example of non-allelic interaction is epistasis. बेटा, एक नॉन एलेलिक जो इंटरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं एपिस्टासिस, विच कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच द इफेक्ट कॉज्ड बाय द जीन एट वन लोकस इंटरफियर्स विद और हाइड द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन एट अनदर लोकस। बेटा, इसमें ऐसा होता है कि एक जीन दूसरे लोकस पे मौजूद जीन को या तो मास्क पहना देता है या अपना इफेक्ट शो करता है या उसका इफेक्ट जो है वो हाइड करता है। ठीक है, मतलब एक जीन जो एक लोकस पर मौजूद है वो किसी और लोकस पर मौजूद जीन को हाइड करता है, इंटरफेयर करता है उसके साथ और उसके इफेक्ट को क्या करता है, हाइड कर देता है, उसे सप्रेस कर देता है। ठीक है, इन सच इंटरेक्शंस द जीन विच सप्रेसेस और मास्क द इफेक्ट ऑफ एक्शन of a gene at another locus is known as epistatic gene or inhibiting gene, and the gene which suppressed is known as hypostatic gene. बेटा, वो जीन जो किसी दूसरे लोकस पर मौजूद जीन को मास्क पहनाता है या उसके इफेक्ट को हाइड करता है, ऐसे जीन को कहते हैं epistatic gene या inhibiting gene. ठीक है, एपिस्टाटिक जीन क्या है या इनहिबिटिंग जीन क्या है, जो ये एबिलिटी रखता है कि दूसरे लोकस पे मौजूद जीन को सप्रेस कर दे, और वो जीन जो सप्रेस हो रहा है उसको कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन, जिसको हमने प्रीवियस मेंडल लॉ में जैसे मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, जिसको हम रिसेसिव कह रहे थे और एक जो था उसको हम डोमिनेंट कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप समझ लें जो रिसेसिव है उसको हाइपोस्टेटिक जीन कह रहे हैं और जो डोमिनेंट है उसको हम कह रहे हैं एपिस्टेटिक जीन या इनहिबिटिंग जीन। एपिस्टासिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद डोमिनेंस। बेटा, एपिस्टासिस को डोमिनेंस के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना, ये दोनों सेम नहीं है। डोमिनेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस, बट एपिस्टासिस is the interaction between different genes occupying different loci. But epistasis क्या है? Epistasis देखें, dominance और recessive जो हम लोगों ने relationship पढ़ा था in class matric, dominance वो था जो completely अपने आप को show कर रहा था और दूसरे के जो effect था उसको completely suppress कर रहा था, उसको मास्क बना रहा था, और रिसेसिव क्या था, जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था लेकिन, और ये एक ही जगह पे सेम लोकस पे मौजूद थे। लेकिन एपिस्टासिस में ऐसा नहीं होता, एपिस्टासिस में एक जीन जो एक लोकस पर मौजूद है वो किसी दूसरे जीन को जो किसी दूसरे लोकस पर मौजूद है उसके इफेक्ट को हाइड करता है। ठीक है, फर्दर इसके जो डिफरेंसेस हैं इस टेबल में लिखे हुए हैं, देखें क्या डिफरेंस है। डोमिनेंस क्या है, इट इन्वॉल्व द सिंगल पेयर ऑफ एलील। डोमिनेंस में एक सिंगल पेयर होता है एलील का, मतलब एक जीन इन्वॉल्व होता है और उसमें दो ही एलील मौजूद होते हैं, तो सिर्फ उसमें सिंगल पेयर ऑफ एलील वो जो है उसमें डोमिनेंस और रिसेसिव का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और एक दो से ज्यादा भी एलील्स मौजूद हो सकते हैं जीन में, लेकिन डोमिनेंस जो है वो इन बिटवीन पेयर ऑफ एलील्स होता है। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, राउंड और रिंकल सीड है, तो राउंड विल बी द डोमिनेंट और जो स्मॉल आर है, स्मॉल केस लेटर है वो क्या है, रिसेसिव है।
एपिस्टेसिस क्या है? इट इन्वॉल्व द टू पेयर ऑफ एलील्स, बट इसमें दो एलील के पेयर्स इन्वॉल्व हैं जो डिफरेंट लोसाए पर मौजूद हैं. डोमिनेंस क्या है? सेकेंड वन जो पॉइंट है वो है अ जीन सप्रेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन एलील. बेटा जो जीन है वो अपने ही एलील को सप्रेस कर देगा, अपने ही एलील के एक्सप्रेशन को शो होने नहीं देगा. और एपिस्टासिस में क्या होता है? अ जीन सप्रेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन. एक जो जीन है वो किसी और जीन के एलील को सप्रेस करता है जो किसी और लोकेशन पर मौजूद है. थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंट. डोमिनेंस क्या है? ओनली द रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड. बेटा इसमें सिर्फ जो रिसेसिव एलील है वो सप्रेस होगा, वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. एपिस्टासिस में क्या होता है? इट सप्रेसिस द इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन. बेटा इसमें ऐसा होता है कि ये दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव जो होता है इफेक्ट, ये किसी और जीन के एलील को जाकर सप्रेस किया जाता है. ठीक है, मतलब अपने ही एलील को वो नहीं करता, वो किसी और लोकस पर मौजूद जो जीन होता है उस पे ये इफेक्ट शो करता है. फोर्थ पॉइंट है द इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट एलील. बेटा ये जो इफेक्ट है सिर्फ डोमिनेंट एलील की वजह से होता है, डोमिनेंस वाला. और एपिस्टासिस में है बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील कैन बिकम एपिस्टाटिक. बेटा इसमें डोमिनेंट भी अपने आप को शो कर सकता है और रिसेसिव भी कर सकता है. जैसे आगे हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे लेब्रेडर रेट्रीवर की, उसमें जो रिसेसिव है स्मॉल ई है वो भी अपने आप को शो कर सकता है. ठीक है, और येलो कलर के जो लेब्रेडर डॉग हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से, तो वो हम आगे इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे. रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टासिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट स्लाइड पे जरा सा जाते हैं. देखें यहाँ पर अगर बेटा ये हम लोगों ने जैसे वीट कलर है, वीट कलर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि 7 डिफरेंट वीट कलर्स होते हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और उसके पीछे भी क्या है कि डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट एलील्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी एक जीन या एक एलील इन्वॉल्व नहीं होता. अब देखें दिस वन इज द पेरेंट जनरेशन, स्मॉल केस लेटर ए बी सी ये लाइट कलर को शो करता है और कैपिटल ए बी सी केस लेटर जो हैं ये डार्क कलर को शो करते हैं. जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो एफ वन क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों आ गए, मतलब इंटरमीडिएट कलर आया, ना तो वो वाइट थे ना ही वो डार्क थे, एक इंटरमीडिएट कलर आया जिसको हम मलाटो भी कहते हैं. जैसे हम कहें कि अगर एक बहुत ज्यादा फेयर या लाइट कलर वाले मेल की शादी किसी फीमेल वेरी डार्क कलर वाली फीमेल के साथ हो गई है तो उनके जो बेबी होंगे वो मलाटो होंगे, मतलब उनमें ये चांसेस होगा कि उनकी बेबीज जो हैं वो एक इंटरमीडिएट कलर के हों, या जिसको हम कहते हैं कि ज्यादा डार्क भी ना हो और ज्यादा फेयर भी ना हो. ठीक है, वो एक गंदमी रंग के होंगे. तो दिस वन इज दी एफ वन जनरेशन. बेटा अब एफ वन को एफ वन के साथ क्रॉस करवाएंगे तो देखें इसमें लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली वेरी लाइट इस पी वन जनरेशन की तरह भी आया, और एंड में देखें वेरी डार्क इसकी तरह पी वन जनरेशन में जो पेरेंट था उसकी तरह भी आया. तो वन वन जो होंगे वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वेरी लाइट और वेरी डार्क आएंगे रेशो, और उसके बाद डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर इंटरमीडिएट डिफरेंट कलर, मतलब सबसे पहले बहुत ज्यादा फेयर कलर और फिर डार्क होता जाएगा और एंड में एग्जैक्टली बहुत डार्क. तो डिफरेंट 7 कलर की पिगमेंटेशन यहाँ पे शो होंगी, और ये जो 64 हम लोगों ने यहाँ पे रेशियोज निकाले हैं इसमें डिफरेंट कलर की जो स्किन पिगमेंटेशन है वो शो होगी. वन जो होगा वो सबसे ज्यादा वन रेशियो जो आएगा वो बिल्कुल लाइट या बिल्कुल फेयर कलर का आएगा, और वन जो रेशियो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा वेरी डार्क पिगमेंटेशन का आएगा, स्किन कलर का आएगा. उसके बाद 6 जो है वो देखें थोड़े से डार्कर होंगे, मतलब लाइट नहीं होंगे, वो इंटरमीडिएट लाइट होंगे. उसके बाद फिर ये डार्क होते जाएंगे 15, उसके बाद 20 थोड़े से और डार्क हो गए, फिर 15 और डार्क हो गए, फिर 6 और डार्क हो गए, और 1 सबसे ज्यादा डार्क. ठीक है, तो मतलब ये लाइट जो शेड था ये बढ़ता गया और रेशो हमारे पास क्या आएगा, 1:6:15:20:20:15:6:1. बिल्कुल जो वीट कलर का रेशो था जिस तरह से आ रहा था, 1:6:15:20:15:6:1 एग्जैक्टली स्किन जो पिगमेंटेशन है ये यहाँ पर भी ह्यूमन स्किन कलर में भी यही रिजल्ट आएगा. फाइन बेटा,
Now come towards this slide, relationship of epistasis with polygenic inheritance. इसमें polygenic inheritance में क्या है, इन इन दोनों का मतलब रिलेशनशिप क्या है एपिस्टासिस का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ. इन एपिस्टासिस द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कंट्रोल्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन. बट एपिस्टासिस में क्या है, एज वी हैव स्टडी इन आवर प्रीवियस स्लाइड एज वेल, कि एपिस्टासिस में क्या होता है, एक जीन एक लोकस पर जो मौजूद है वो किसी और दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है जो किसी और लोकेशन या किसी और लोकस पर मौजूद है. मतलब अपने ही लोकस पर मौजूद अपने ही एलील को सप्रेस नहीं करता या उसका जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं करता, दूसरे लोकस पर मौजूद जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल इन माइस देयर आर डिफरेंट जीन्स फॉर फर कलर, बट देयर इज ऑल्सो अ जीन दैट कंट्रोल वेदर और नॉट एनी पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट ऑल. माइस की एग्जाम्पल दी हुई है, माइस में डिफरेंट फर कलर के जीन्स मौजूद होते हैं लेकिन उसमें एक ऐसा भी जीन मौजूद होता है जो ये कंट्रोल करता है कि पिगमेंट ये प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये जो कलर्ड पिगमेंट है ये प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा. दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द फिनोमेना वेयर वन ट्रेट इज अफेक्टेड बाय द एक्सप्रेशंस ऑफ मेनी जीन्स. बेटा ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कह रहे थे, कि एक जो ट्रेट है उसको बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करेंगे, बहुत सारे जीन्स की एक्सप्रेशंस जो हैं वो उस पर अफेक्ट करेंगी. ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यही था कि एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे जो जीन्स थे वो इन्वॉल्व थे. फॉर एग्जाम्पल पीपल वेरी ग्रेटली इन ट्रेट्स सच एज हाइट, स्किन कलर एंड नोज लेंथ बिकॉज देयर आर मेनी जीन्स दैट कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल बेटा दी हुई है कि हाइट, स्किन कलर, नोज लेंथ जो है ये सब इंसानों की डिफरेंट डिफरेंट होती है. हाइट भी डिफरेंट होती है, स्किन कलर भी डिफरेंट है, इवन वेट भी डिफरेंट होता है, नोज की लेंथ भी सबकी डिफरेंट होती है. जैसे चाइनीज हैं तो दे हैव तकरीबन थोड़ा सा फ्लैट सा इनका नोज होता है ना, छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, ज्यादा लेंथ नहीं होती. ठीक है, तो नोज लेंथ भी डिफरेंट होती है हर किसी की. तो ये क्या है, इसमें बेटा सिर्फ एक कोई जीन इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई एक जीन इन्वॉल्व नहीं है, काफी सारे जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो सारे अफेक्ट करते हैं इसके ऊपर. अच्छा, इसके बाद द ओनली डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू फिनोमेना इज दैट इन एपिस्टासिस द ट्रेट शो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अमंग अल्टरनेटिव फिनोटाइप, वेयर एज इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द ट्रेट शो अ लॉन्ग रेंज ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स विद कंटिन्यूअस वेरिएशन. बेटा देखें मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, कि एपिस्टासिस में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं ट्रेट, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जैसे कि ब्लड ग्रुप है. फाइन, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी है, ओ है, उसके अलावा कुछ और भी हैं, एल एम भी है, आगे हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो बेटा जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है उसमें जो ट्रेट्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज शो करते हैं इन अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स की, जैसे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन है. और कंटिन्यूअस वेरिएशन की यही एग्जांपल है, हाइट है, वेट है, स्किन कलर है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है. लेकिन एपिस्टासिस में क्या है, एग्जाम्पल इसकी ब्लड ग्रुप वगैरह है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है, मतलब इतने ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होती इन फिनोटाइप्स की, अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स की. फाइन बेटा, अब हम इसमें देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल में देखें ये जो कोट कलर होता है लेब्राडोर रेट्रीवर का वो डिफरेंट होता है ना, तीन डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये, ब्लैक भी होते हैं, चॉकलेट भी होते हैं और येलो कलर के भी होते हैं ना, वी विल स्टडी टूडे. लेकिन कोट कलर इन लेब्राडोर रेट्रीवर, कोट कलर इन लेब्राडोर रेट्रीवर अ हाईली पॉपुलर टाइप ऑफ डॉग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टासिस इन एनिमल्स. बेटा ये जो इसका कलर है ये हमारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छी सी एग्जाम्पल है एपिस्टासिस की एनिमल्स में. और ये एक बहुत पॉपुलर डॉग है, ये जो लेब्राडोर रेट्रीवर है ये एक पॉपुलर डॉग है, काफी मशहूर डॉग है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्सेटाइल ब्रीड है जिसको एक मतलब ये एक बेस्ट ब्रीड है जिसको ट्रेन किया जाता है और ये हर तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है ना ये डॉग, और लॉयल होता है बहुत ज्यादा और अपनी बेस्ट जो जॉब है, अपना जो टास्क है उसको बेस्ट तरीके से ये करता है ना, परफॉर्म करता है. ठीक है, और एक्सट्रीमली ओबीडियंट है ये डॉग, ये जो लेब्राडोर जो रेट्रीवर है ये बहुत ज्यादा ओबीडियंट भी है ना.
दे हैव कोट्स ऑफ थ्री बेसिक कलर्स, बट इनका जो कोट कलर होता है वो तीन बेसिक रंगों का होता है. कौन कौन से रंग इसमें होते हैं? येलो होता है, ब्लैक एंड चॉकलेट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इज ऑटोसोमल, नॉट रिलेटेड टू द सेक ऑफ द डॉग. विद द इंफॉर्मेशन जीन्स फॉर ब्लैक एंड ब्राउन एट अ डिफरेंट लोकेशन इन द क्रोमोसोम लोकस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन जीन्स फॉर येलो. बट इसका ये जो कलर है, जो कोट कलर है, ये तीन डिफरेंट कलर का है, येलो, ब्लैक और चॉकलेट कलर का है. और ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो कोट कलर की, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होते हैं. ये इस डॉग के सेक क्रोमोसोम में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऑटोसोमल क्रोमोसोम ही इसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो बेटा ब्लैक और ब्राउन कलर के जो इन्फॉर्मेशन के जीन होते हैं वो एक लोकस पर मौजूद होते हैं, और जो येलो कलर के जीन्स होते हैं वो दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं, दूसरे लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हैं. द एलील फॉर ब्लैक कोट कलर बी, कैपिटल बी, इज डोमिनेंट टू द चॉकलेट कलर स्मॉल बी. और बेटा जहां पर कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ आ जाएगा तो जो डॉग का कलर होगा इसका लैब्राडोर का, ये ब्लैक होगा, क्योंकि जो कैपिटल बी है ये ब्लैक कलर को शो कर रहा है, स्मॉल बी जो है ये चॉकलेट कलर को शो कर रहा है. तो कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी को सप्रेस कर देगा और खुद डोमिनेंट हो जाएगा. देयरफॉर अ पपी विल ओनली बी चॉकलेट इफ ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट द चॉकलेट एलील्स स्मॉल बी स्मॉल बी. तो बेटा चॉकलेट कलर का पपी कब आएगा? जब दोनों ही पेरेंट के में ये स्मॉल बी वाले एलील्स मौजूद होंगे, क्योंकि कैपिटल बी वाला जो है वो ब्लैक कलर का है. अगर कैपिटल बी मौजूद हुआ तो वो स्मॉल बी को सप्रेस कर देगा, खुद डोमिनेंट हो जाएगा. तो चॉकलेट कलर वाले पपी सिर्फ तभी आएंगे जब दोनों पेरेंट्स में स्मॉल बी ही एलील्स होंगे. इफ वन कैपिटल बी और स्मॉल बी और बोथ कैपिटल बी पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट द ब्लैक डोमिनेंट जीन, द पपी विल बी ब्लैक. कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, वही चीज दोबारा यहाँ पर बताई हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी या फिर दोनों कैपिटल बी मतलब दोनों कैपिटल केस लेटर्स के जो पेरेंट्स होंगे ये सिर्फ ब्लैक कलर के पपी को ही ब्रीड करेंगे, उसको मतलब ब्लैक कलर का ही पपी उसमें से आएगा, क्योंकि जो कैपिटल बी है बेटा वो डोमिनेंट है और स्मॉल बी जो है वो सप्रेस हो जाएगा, अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. ठीक है, द जीन दैट डिटरमिन्स येलो कोट कलर इज एट अ डिफरेंट लोकेशन लोकस इन द डीएनए फ्रॉम द ब्लैक वर्सेस चॉकलेट जीन. बेटा जो येलो कलर का कोट कलर होता है ये डिफरेंट लोकस पर मौजूद होता है, मतलब उस वहीं पर उसी लोकेशन पर मौजूद नहीं होता, ये डीएनए के किसी और लोकेशन पर मौजूद होता है. ठीक है, ब्लैक वर्सेस चॉकलेट जो होता है ये एक जगह पे होता है और जो येलो है ये दूसरे पर होता है. इन ऑर्डर टू बी येलो लैब्राडोर मस्ट हैव टू रिसेसिव कॉपीज ऑफ येलो जीन. बेटा और येलो लैब्राडोर कब प्रोड्यूस होगा? जब दोनों स्मॉल ई या स्मॉल केस लेटर वाले जो ई है ये जीन मौजूद होंगे. ठीक है, जब दोनों स्मॉल ई होंगे तो येलो कलर का जो लैब्राडोर है ये प्रोड्यूस्ड होगा. In this case, the yellow color gene become epistatic and completely inactivate the black or brown genes. और बेटा जहां पर भी ये small e आ जाएगा तो वो जो black और brown color के genes हैं उन दोनों को suppress करता है. ठीक है, ये दोनों को suppress करने की ability रखता है. अगर दो small e आगे हैं और उसके साथ फिर capital B भी मौजूद हैं black के, तो ये स्मॉल ई जो है यही अपने आप को शो कर पाएंगे और पपी येलो कलर का होगा और ये ब्लैक वाले को क्या कर देंगे? सप्रेस कर देंगे. इसी तरीके से अगर इसका क्रॉस ब्राउन वाले से करवाया जाएगा तो जो पपी हैं वो येलो कलर के आएंगे, क्योंकि ये स्मॉल बी जो चॉकलेट कलर का है या लैब्राडोर उसके जीन्स को भी क्या करेंगे? सप्रेस कर देंगे. दिस मीन्स बोथ पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट अ येलो जीन स्मॉल ई. तो बेटा येलो पपी कब प्रोड्यूस होगा? जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो स्मॉल ई को कंट्रीब्यूट करेंगे. हाउएवर इफ ओनली वन स्मॉल ई और नो स्मॉल ई मतलब दोनों कैपिटल ई मौजूद हों आर कंट्रीब्यूटेड द पपी विल बी ईदर ब्लैक और चॉकलेट डिटरमिन एज एक्सप्लेन अबव बाय व्हाट इज ऑन द ब्लैक चॉकलेट जीन. तो बेटा कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक स्मॉल ई केस लेटर मौजूद होगा, दोनों अगर स्मॉल ई केस लेटर मौजूद नहीं है तो क्या होगा? ब्लैक या चॉकलेट कलर का ही पपी प्रोड्यूस्ड होगा, वो येलो कलर का नहीं आएगा. येलो कलर का कब आएगा? जब दो स्मॉल ई होंगे. सही है, अगर एक स्मॉल ई है और बाकी कैपिटल बी है
या आप कह दें कि स्मॉल बी है, तो ये अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस ये दोनों ही स्मॉल ई मौजूद होंगे, तो ही येलो कलर का पपी प्रोड्यूस्ड होगा. टू येलो लेब्रेडर स्मॉल ई कैन ओनली हैव येलो पपीज, जो यही होंगे जिसका पपी, इसका भी जीन यही होगा स्मॉल ई होगा. सिंस दे बोथ हैव टू कॉपीज ऑफ द येलो जीन एंड दैट इज ऑल दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट. तो बेटा येलो कलर का लेब्रेडर पपी उसी वक्त प्रोड्यूस होगा जब उनके पेरेंट्स में ये स्मॉल ई ही जीन मौजूद होंगे. मतलब येलो लेब्रेडर ही येलो कलर के पपीज को प्रोड्यूस करेगा. इफ अ ब्लैक लेब्रेडर होमोजाइगस फॉर बोथ जीन पेयर, कैपिटल बी कैपिटल यहाँ पे आएगा कैपिटल ई कैपिटल ई इज क्रॉस ब्रेड विद अ येलो स्मॉल बी स्मॉल ई पार्टनर, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक. बेटा देखें, कह रहे हैं कि अगर होमोजाइगस पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया जाए, उसमें से एक जो है वो ब्लैक है, कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई. कैपिटल ई का मतलब है कि यहाँ पर स्मॉल ई मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. और इसको जब ब्लैक को क्रॉस करवाया गया येलो के साथ, स्मॉल बी क्या है, चॉकलेट कलर का है जीन, और जब स्मॉल ई दो केस लेटर इसके साथ आगे ई के, तो इसने सप्रेस कर दिया था चॉकलेट को. तो मतलब ये क्या है, येलो कलर का लेब्रेडर है. इन दोनों पार्टनर्स को जब आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई. देखिए आप लोग इसको क्रॉस करवाएंगे, ये कैपिटल बी क्रॉस करेगा स्मॉल बी के साथ, तो ये आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी. फिर यहाँ पर क्या है, ये गलती से इन्होंने कैपिटल वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर है कैपिटल ई. जब बेटा कैपिटल ई क्रॉस करेगा स्मॉल ई के साथ, तो आएगा कैपिटल ई स्मॉल ई. तो हमारे पास जो एफ वन है वो क्या आएगी, कैपिटल बी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. तो देखें ये कौन से कलर का हुआ है, ये ब्लैक कलर का है, क्योंकि ब्लैक इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, तो ये ब्लैक आ गया. और देखें यहाँ पर एक स्मॉल ई मौजूद है, दो मौजूद नहीं है, इसलिए ये येलो कलर का पपी प्रोड्यूस नहीं होगा, ये ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होगा. इन सच ब्लैक लेब्रेडर हेट्रोजाइगस फॉर, इफ सच ब्लैक लेब्रेडर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन पेयर्स B कैपिटल ई स्मॉल ई आर इंटरब्रिड एज शोन इन फिगर 22.10, जो हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे. ऑल थ्री कोड कलर्स ब्लैक चॉकलेट एंड येलो आर एक्सपेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग इन 9:3:4. तो चलें इसको सबसे पहले देखते हैं, हेयर इट इज. देखें जब इसको आपस में बेटा क्रॉस किया गया, ब्लैक है, हेट्रोजाइगस ब्लैक है, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, एफ वन के साथ क्रॉस करवाया, तो फोर तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. कैपिटल बी ने किया क्रॉस कैपिटल ई के साथ, फिर जो स्मॉल बी है इसने क्रॉस किया कैपिटल ई के साथ. अब क्या होगा, कैपिटल बी क्रॉस करेगा स्मॉल ई के साथ, ये गैमेट बन गया. अब स्मॉल बी करेगा स्मॉल ई के साथ, तो ये गैमेट बन गया. तो यहाँ पर फोर स्पर्म आ गए यहाँ से, और यहाँ पर फोर एग्स आ गए यहाँ से, ठीक है. अब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, ये लिख दिया, फिर कैपिटल बी फिर कैपिटल ई स्मॉल ई, यहाँ पे लिख दिया. इसी तरीके से फिर कैपिटल बी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई, यहाँ पर लिख दिया. फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, तो कैपिटल बी और यहाँ पर क्या है स्मॉल बी, फिर कैपिटल ई और यहाँ पर क्या है स्मॉल ई, तो यहाँ पर लिख दिया. इसी तरीके से ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई. ये इसके साथ क्रॉस करेगा स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल ई. फिर बेटा इसने इसके साथ क्रॉस किया कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई. फिर इसने बेटा इसके साथ फोर्थ वन के साथ क्रॉस किया स्मॉल बी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. फिर इसने इसके साथ क्रॉस किया, तो कैपिटल बी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. फिर कैपिटल बी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. फिर कैपिटल बी स्मॉल ई स्मॉल ई. इसी तरीके से कैपिटल बी और स्मॉल ई स्मॉल ई. फिर यहाँ से इसके साथ ये क्रॉस करेगा, यही वो ये रिजल्ट आ गया बेटा. इसके बाद ये यहाँ से क्रॉस करेगा, ये रिजल्ट आया. फिर यहाँ से ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो कैपिटल बी देखे स्मॉल बी, फिर स्मॉल ई स्मॉल ई. इसी तरीके से यहाँ से इसके साथ क्रॉस किया, तो स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई. तो ये सारा हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब हम देखते हैं कि कितने ब्लैक आए हैं, कितने चॉकलेट आए हैं और कितने येलो कलर के लेब्रेडर आए हैं.
ये देखें बेटा, ये इसमें कैपिटल बी मौजूद है तो मतलब स्मॉल ई तो मौजूद नहीं है ना, कैपिटल बी मौजूद है तो ये ब्लैक है। यहां पर भी कैपिटल बी है और स्मॉल ई है तो मतलब कैपिटल बी डोमिनेंट हो गया, ये भी ब्लैक है। दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल ई मौजूद है, अगर दो मौजूद होते तो ये येलो कलर का होता। इसी तरीके से ये भी ब्लैक है, दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक। अब यहाँ पर देखें कैपिटल बी मौजूद नहीं है और ना ही स्मॉल ई मौजूद है, तो स्मॉल बी किसको शो करता है, चॉकलेट कलर को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है बेटा, ब्लैक है, ये क्या है, चॉकलेट कलर है क्योंकि स्मॉल बी और एक स्मॉल ई आया है, दूसरा नहीं आया, तो इसलिए ये भी क्या है, चॉकलेट कलर है। ये भी ब्लैक कलर है, ये भी ब्लैक कलर है। अब यहाँ पर देखें कैपिटल बी लेकिन दो स्मॉल ई भी आ गए हैं, तो हमने पीछे पढ़ा कि जहां पर दो स्मॉल ई आएंगे वो ब्लैक या चॉकलेट कलर को सप्रेस कर देंगे, तो ये जो लैब्राडोर पपी है ये येलो कलर का होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें दो स्मॉल ई आ गए हैं तो ये भी येलो कलर का होगा, ये ब्लैक कलर को सप्रेस कर देगा। ये भी ब्लैक कलर है बेटा, ये चॉकलेट कलर है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी है और स्मॉल ई एक ही मौजूद है, अगर दो मौजूद होते तो ये येलो होता। यहाँ पर बेटा दो स्मॉल ई मौजूद हैं तो ये भी येलो कलर का है, यहाँ पर दो स्मॉल ई मौजूद हैं तो ये भी येलो कलर का है। अब देखें ब्लैक कलर के कितने आए हैं, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो 9 क्या आ गए हैं हमारे पास, ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर आए हैं। 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, चॉकलेट कलर के आए हैं। 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास क्या है, येलो कलर के लैब्राडोर रिट्रीवर आए हैं। तो बेटा रेशो क्या हो जाएगा, 9:3:4, सही है, समझ आया आपको। हेयर इज अनदर एग्जाम्पल, देखिए बेटा अगर हम लोग कैपिटल ई को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी के साथ तो ब्लैक लैब्राडोर आएंगे, इसको बेटा इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो भी ब्लैक आएंगे क्योंकि स्मॉल बी डोमिनेंट नहीं होगा, कैपिटल बी डोमिनेंट होगा। बेटा इसको इसके साथ स्मॉल बी के साथ करवाएंगे तो चॉकलेट कलर के आएंगे क्योंकि कैपिटल ई अपने आप को शो नहीं कर पाता, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चॉकलेट कलर का लैब्राडोर आएगा। अब बच्चा इसको यहाँ से कैपिटल बी को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ब्लैक कलर का ही आएगा क्योंकि एक स्मॉल ई मौजूद है, दो मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो भी ब्लैक कलर का ही लैब्राडोर आएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी है, कैपिटल स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी जो था वो स्मॉल बी के ऊपर उसने उसको मास्क बना दिया है, डोमिनेंट हो गया है, तो ये भी ब्लैक कलर का आएगा। यहाँ पर देखें बेटा स्मॉल बी है और कैपिटल ई स्मॉल ई है तो ये चॉकलेट कलर का आएगा क्योंकि स्मॉल बी किसको इंडिकेट कर रहा है, चॉकलेट कलर को। इसी तरीके से ये स्मॉल ई है और बेटा दो स्मॉल ई है, दो स्मॉल ई देखें जिसके साथ भी क्रॉस करेंगे, ब्लैक के साथ ये भी ब्लैक है या चॉकलेट के साथ, तो वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूस होंगे, येलो कलर के ही लैब्राडोर रिट्रीवर आएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें एक और एग्जाम्पल है सेम वैसी ही, बेटा इसको यहाँ पर क्रॉस किया इसके साथ तो आपके पास ब्लैक कलर आ गया, इस गैमेट को क्रॉस किया इसके साथ तो ब्लैक ही आया, यहाँ पर भी ब्लैक आया, यहाँ पर भी ब्लैक आया, ये भी ब्लैक आ गया इसको इसके साथ किया क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल ई मौजूद है। यहाँ पर बेटा देखें इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ तो येलो कलर का लैब्राडोर आएगा क्योंकि दो स्मॉल ई यहाँ पर आ गए, सही है। हाँ बेटा यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल बी स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और ब्लैक कलर आएगा, यहाँ पर फिर ये दो स्मॉल ई यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे तो येलो कलर का आएगा, ये भी ब्लैक आएगा, यहाँ पर भी ब्लैक आया, ये चॉकलेट कलर का आया। चॉकलेट क्यों आया, क्योंकि ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी के साथ इसने किया क्रॉस और कैपिटल ई के साथ तो चॉकलेट आ गया। इसी तरीके से यहाँ स्मॉल बी और कैपिटल ई स्मॉल ई, तो यहाँ पर दो स्मॉल ई नहीं आए लेकिन दो स्मॉल बी तो आ गए, तो ये भी चॉकलेट कलर होगा, ये ब्लैक कलर होगा बेटा और ये येलो कलर होगा क्योंकि दो स्मॉल ई आ गए और एक कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ये इसको सप्रेस कर देगा। ठीक है, जो स्मॉल ई केस लेटर्स हैं मतलब येलो कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो ब्लैक वाले को सप्रेस कर देंगे, तो येलो वाला लैब्राडोर आया, यहाँ पर बेटा चॉकलेट आया और यहाँ पर भी येलो आया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 जो है हमारे पास क्या आए हैं, ब्लैक कलर के आए हैं, और बेटा 1, 2 एंड 3 हमारे पास आए हैं चॉकलेट कलर के, और 1, 2, 3, 4 हमारे पास आए हैं येलो कलर के लैब्राडोर। ठीक है बेटा,
बच्चा देखते हैं वो प्रॉब्लम, हमारी पिछली स्लाइड पर एक प्रॉब्लम था उसको देखते हैं. हेयर इट इज. प्रॉब्लम क्या है? व्हेन टू चॉकलेट कलर्ड लैब्राडोर वर क्रॉस्ड अ येलो पपी वाज बोर्न. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कोट कलर पपी इफ द पेरेंट्स आर अगेन क्रॉस्ड. तो बेटा इस प्रॉब्लम का भी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए. अगर आपको नहीं आ रहा तो आई विल डू इट फॉर यू. देखिए है सिंपल ही है, दो चॉकलेट कलर के लैब्राडोर को क्रॉस करवाएं और एक येलो कलर का पपी जो है वो प्रोड्यूस होगा. फिर कह रहे हैं कि येलो कोट कलर का जो पपी है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम दोबारा उसको क्रॉस करवाएंगे. ठीक है, अगेन अगर हम क्रॉस करवाएंगे मतलब F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा. तो दो चॉकलेट कलर के लैब्राडोर आपने कौन से लेने हैं, जो येलो कलर का पपी जो है जिसमें से बोर्न होगा उसकी आप जीनोटाइप लिख लीजिए. वो होगा स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई. और इसको इसी के साथ दोबारा, मतलब ये चॉकलेट कलर है इसको इसी के साथ आपने दोबारा क्रॉस करवाना है स्मॉल बी कैपिटल ई और स्मॉल ई के साथ. इसको इसके साथ ही क्रॉस करवाना है. ये आपकी P1 जनरेशन है, चॉकलेट कलर का लैब्राडोर है. ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल ई और स्मॉल ई चॉकलेट कलर का लैब्राडोर है. इसको इसके साथ ही दोबारा क्रॉस करवाएं और गैमेट की देखें कौन सी गैमेट की पॉसिबिलिटीज आती हैं. फिर उन गैमेट्स में से देखना F1 जनरेशन आपकी आ जाएगी. फिर F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएं तो F2 आ जाएगी. तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है कि येलो कोट कलर के कितने लैब्राडोर्स आएंगे. बेटा इसका आप लोग वो आंसर लिखिए एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस. माय ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com sabaakhtar336@gmail.com. सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट्स. बट इफ यू आर फीलिंग एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. बेटा टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.